Hello everybody, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine. आप मेरे को सुन पा रहे हो, स्क्रीन देख पा रहे हो, इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स वाली जो आपके ये स्लाइड है तो देख पा रहे हो, तो आप मुझे बता दीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट विद इट. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, चाहे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 एग्जाम्स तब भी ये वीडियो देखें, अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर करें तब भी. इसके अंदर 2022 के अवार्ड्स मैंने स्पेसिफिकली कवर करवाए हैं. This is very very important. जल्दी से इन द चैट सेक्शन everybody, गुड इवनिंग गुड इवनिंग. अब तो रात हो गई है, 10 बजे वाले सेशन अगर मुझे यहाँ पर बढ़िया लगते हैं तो फिर हम बार बार ये करेंगे जब तक एग्जाम्स हैं और अपनी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो कवर करने की कोशिश करेंगे. यू ऑल्सो एट योर एंड पढ़ना बंद नहीं करना है करंट अफेयर्स, ठीक है? अपने एंड पर भी करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और यहाँ पर लॉगरी के साथ भी करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ठीक है? क्लियर है सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं. फिर इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स डिस्कस करेंगे आज. इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ये, ठीक है? फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे लॉ का कोई एग्जाम है, आपको एलेट देना है, स्लैट देना है, कोई भी जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, MHC, DBH, UP, UDU, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. मोस्ट एक्सपेक्टेड है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज, ये हमने पिछली लास्ट ईयर भी करी थी एंड एवरीवन वाज लाइक कि हमें रिपीट चाहिए, ऑन रिपीट ये चाहिए, ठीक है? तो तभी आई एम हेयर फॉर यू. जैसे आप लोग कहते हैं मैं वैसे ही करने की कोशिश करती हूँ, राइट? तो स्टार्ट करते हैं, सभी आ गए हैं. चलिए सभी वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है? एंड ऑल्सो गाइज, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहती हूँ. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एग्ज़ाम आयर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा चैनल है, इसलिए बिकॉज आपको कॉन्टीन्यूसली एग्ज़ाम आयर पे जो तो हम द हिंदू का एनालिसिस करते हैं, वो एनालिसिस आपको देखना चाहिए. बिकॉज अब जो है ना, आपको कहीं पर भी कंपेटिव नहीं मिलेंगे, स्पेशली जून के न्यूज़ के, जुलाई के न्यूज़ के, तो इसलिए ओके. चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ा दो चैट सेक्शन में, फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से. और 100 व्यूज़ अगर कॉन्करेंट आते तो मज़ा आएगा, ठीक है? चलिए, नोबेल पीस प्राइज, तो ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता ही रहता है. लास्ट ईयर भी आया था नोबेल पीस प्राइज, इनमें से एक तो आएगा ही आएगा. और हाँ, सभी के सभी बच्चे नोट्स बनाएंगे साथ साथ में, चाहे रफ नोट्स बनाओ, ठीक है, बट नोट्स बनाने, सभी के सभी भाग कर एक नोटबुक ले आओ और एक पेन ले आओ, साथ में नोट्स बनाएंगे. 2021 का जो नोबेल पीस प्राइज केमिस्ट्री का है, नोबेल पीस प्राइज किसके अंदर, केमिस्ट्री का, वो किसको गया? बेंजामिन, अवॉर्डेड टू बेंजामिन लिस्ट, ठीक है ना? एक लिस्ट, बेंजामिन लिस्ट, नाम इजी है, बेंजामिन बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम होता है और इन्होंने एक लिस्ट बनाई, इसीलिए इनको केमिस्ट्री का अवार्ड दिया गया, ऐसा करके हम याद कर सकते हैं. और डेविड मैकमिलन, ठीक है ना? मैकमिलन, तो मैकमिलन और मैक बर्गर दोनों ही सेम लगते हैं, तो डेविड मैकमिलन. तो डेविड कहाँ गए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने? मैक बर्गर खाते हुए डेविड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, मिलन करने कहाँ गए? मैकडोनल्ड्स गए. तो डेविड मैक मिलन और बेंजामिन लिस्ट, इन दोनों को कौन सा अवार्ड मिला है? केमिस्ट्री, ठीक है ना? तो हम ये ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डेविड बेंजामिन को मिलने कहाँ गए? डेविड बेंजामिन को मिलने मैक गए, मैकडोनल्ड्स में गए और वहाँ पर बैठकर इन्होंने लिस्ट बनाई और तभी इनको केमिस्ट्री के अंदर अवार्ड दिया गया, ठीक है ना? उसके बाद ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा आएगा, तो याद करने में क्या जाता है. 2021 नोबेल पीस प्राइज फिजिक्स किसको मिला? इज अवार्डेड विद वन हाफ जॉइंटली टू स्यू करो. तो क्या होता है, जब भी कोई कुछ गलत कर देता है तो हम कहते हैं आई स्यू यू, है ना? तो यहाँ पे वही बात आ रही है ना, स्यू कर दो इसको, ठीक है ना? स्यू करो मनाबे, ठीक है ना? तो अगर हम इसको हिंदी में याद करें तो कैसा होगा? मानता है या नहीं? मानबे, मानता है या नहीं? मानता नहीं या नहीं, तो स्यू कर दूंगा अगर नहीं मानेगा, तो मानवे याद हो गया, स्यू करो मानवे. इनको कौन सा मिला? फिजिक्स का मिला और ये आधा आधा हुआ है, ठीक है ना? एक आधा पार्ट गया स्यू करो मानवे को और क्लॉस हैसलमैन, ठीक है ना? क्लॉस हैसलमैन, ठीक है ना? तो क्लॉस जो होता है, ठीक है, क्लॉस, तो ये क्लास जो थी उनकी, एक क्लास, क्लॉस और क्लास सेम लगता है, हैसलमैन, क्लास हैसलमैन की बहुत अच्छी एक क्लास थी, तो वो हैसल फ्री जिंदगी जीते हैं, ठीक है? ऐसे करके आप याद कर सकते हैं. एंड द अदर हाफ, अब ये दो, इन दोनों को इकट्ठे गया एक अवार्ड, फिजिक्स का नोबेल पीस प्राइज का और एक किसको गया? ग्योरोगियो पारसी, तो पारसी होते हैं, पारसी,
ना, और ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे वो कौन सा ब्रांड होता है जी से, वैसा सा लग रहा है ग्योगियो फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम्स. दिस इज द फर्स्ट टाइम क्लाइमेट साइंटिस्ट मानाबे एंड हासलमैन हैव बीन अवॉर्डेड फॉर द फिजिकल फिजिक्स नोबेल प्राइज, सॉरी नोबेल प्राइज, नॉट पीस प्राइज, नोबेल प्राइज, ठीक है ना. तो मानाबे और हासलमैन को पहली बार एक ऐसे क्लाइमेट साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना. तो हम टाइम लगा रहे हैं क्योंकि हम ट्राई करें कि हम यहीं से सब कुछ याद कर कर चले जाएं, ठीक है. टू यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड साइंटिस्ट डेविड जूलियस, डेविड और जूलियस, ठीक है ना, जूलियस सीजर से हम जूलियस याद कर सकते हैं. आर्डम पेटापाउटियन, पेटापाउटियन, तो आर्डम पेटापाउटियन पाउट करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है. डेविड जूलियस बैठ कर आर्डम को देखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पाउट करते हैं, तो याद हो जाएगा ये. देखिए ये एक बारी में नहीं याद होने वाले, बार बार याद करने पड़ेंगे. इनको मेडिसिन या फिजियोलॉजी में इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर द डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच. द 2021 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हैज़ बीन अवार्डेड टू नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट है, अब्दुल रजाक गुरना, ठीक है ना, अब्दुल रजाक गुरना, ठीक है ना, ठीक है ना. तो अब जो लोग किसी गुरु को मानते हैं, अगर कोई कुछ बुरा करने लगता है तो उसको कहते हैं कि मत करो क्योंकि गुरु ने मना किया, तो गुरु ना, गुरना, ठीक है ना, अब्दुल रजाक गुरना, उनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है ना, फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म एंड द फेट ऑफ रिफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है ना. तो उनका जो इन्होंने मतलब बहुत सारे रिफ्यूजीज के ऊपर और गल्फ कंट्रीज के बारे में लिखा है. नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स हैज़ बीन अवार्डेड इन वन हाफ टू कैनेडियन बॉर्न डेविड कार्ड, ठीक है ना. डेविड कार्ड इजी, डेविड और कार्ड, गेम्स खेलने वाले, कार्ड गेम खेलने वाले. एंड अदर हाफ जॉइंटली टू इजराइली अमेरिकन जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ये बहुत ही जोश में रहते हैं बट इनको गुस्सा भी बहुत आता है. तो इनका नाम क्या है, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ठीक है ना. और इनको किस में मिला, इकोनॉमिक्स के अंदर, जोश में ये इकोनॉमिक्स सॉल्व करते हैं अच्छी खासी, ठीक है. और डच अमेरिकन गुडो डब्ल्यू एम्बेंस, ठीक है ना, आई एम बेंस. तो हम जैसे अब जैसे आई एम लॉगरी है वैसे ही इंस्टाग्राम हैंडल, इनका हैंडल क्या, आई एम बेंस, ठीक है ना, गुडो गुडो आई एम बेंस, ठीक है. ये बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे तब जाके आपको याद होंगे, बट पेपर में ज़रूर आते हैं, ये तो हमें याद करना है. पीस प्राइज किसको मिला, नोबेल पीस प्राइज, अगेन देखिए जो सबसे ज़्यादा, अगर कोई एक बच्चा कह रहा है कि इतने सारे याद नहीं होते तो सबसे पहले बहुत ही बुरी बात है, सभी याद होने चाहिए बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो आपके आने वाले एग्जाम है. तो नोबेल पीस प्राइज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मारिया रीजा ऑफ द फिलीपींस एंड दिमित्री मुरातोव ऑफ रशिया, अब ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो रशियन यू नो जो रशिया से हैं दिमित्री मुरातोव, उन्होंने अपना जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो सेल कर दिया, ठीक है. तो अभी हम पढ़ेंगे फॉर देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मारिया रेसा एंड दिमित्री मुरातोव, ठीक है, फॉर देयर एफर्ट्स टू सेव गार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ये हम पूरा का पूरा याद करेंगे, सभी नोट भी करेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस. इन 2020 में किसको ये अवार्ड मिला था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी. तो 2021 में किसको मिला, दिमित्री मुरातोव ऑफ रशिया, मारिया रेसा ऑफ फिलीपींस, ठीक है. अब इसमें क्या हुआ, जो मैं आपको कह रही थी कि उन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज सेल कर दिया, तो जो ये रशियन जर्नलिस्ट हैं दिमित्री मुरातोव, इन्होंने ऑक्शन कर दी किसकी, नोबेल पीस प्राइज़ की, ठीक है ना. और ऑक्शनिंग ऑफ द टू रेस, तो एक मेडल टाइप का होता है उसका ऑक्शन कर दिया इन्होंने, टू रेज मनी फॉर यूक्रेनियन चाइल्ड रिफ्यूजीज. तो हमें पता है यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, तो यूक्रेन और रशिया की वॉर में इन्होंने यूक्रेन के जो बच्चे हैं उनकी हेल्प करने के लिए, रिफ्यूजीज मतलब जो यूक्रेन के लोग जो अपनी कंट्री छोड़कर जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे वॉर चल रही है, तो वो रिफ्यूजीज हो गए, तो उनके बच्चों की हेल्प के लिए इन्होंने अपना जो मेडल है वो सेल कर दिया है और ऑक्शन कर दिया उसका. और उनको कितने मिले, $103.5 million, मतलब इतने इनको पैसे मिल गए. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है. शैटरिंग द ओल्ड रिकॉर्ड, तो पहले भी किसी ने अपना प्राइस ऐसे ही ऑक्शन किया था. तो नोबेल प्राइज मेडल वॉज इन 2014 जेम्स वॉटसन ने किया था, हुज कोर डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA अर्न्ड हिम अ नोबेल प्राइज इन 1962, सोल्ड हिज मेडल फॉर $4.76 million. अब ये वाला पॉइंटर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है.
ठीक है, उसके बाद चलते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड. क्योंकि लता मंगेशकर की डेथ हो गई है, देयरफॉर दिस अवार्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड. राइट गाइज, प्लीज मेक नोट. एंड PDF जो होगा वो पेड होगा, इसीलिए पेड रखा है क्योंकि मुझे पता है तुम सब नोट्स नहीं बनाने वाले. नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं. ओके एंड स्टॉप स्पैमिंग. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड. ठीक है ना, तो फर्स्ट अवार्ड मिला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड. तो सबसे पहले दीनानाथ मंगेशकर कौन है? दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के फादर थे. ठीक है ना, उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूट इन द मेमरी एंड ऑनर ऑफ लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर हु हैड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 इन फरवरी 2022. 80th एनुअल मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड सेरेमनी वॉज हेल्ड इन मुंबई और यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया. ठीक है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला और अवार्ड का नाम क्या है? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये याद रहेगा. ठीक है, ये किसकी मेमोरी में स्टार्ट किया गया है ये अवार्ड? लता मंगेशकर की मेमोरी में, जो कि उनकी डेथ हो गई है. ठीक है, उसके बाद 80th एनुअल मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड में ये दिया गया और दीनानाथ मंगेशकर जो थे वो लता मंगेशकर के फादर थे. उसके बाद द अवार्ड विल बी गिवन एवरी ईयर टू ओनली वन इंडिविजुअल हु हैज मेड पाथ ब्रेकिंग स्पेक्टाकुलर एंड एग्जेम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द नेशन इट्स पीपल एंड सोसाइटी एज पर द स्टेटमेंट बाय द मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट. ठीक है ना, तो अब अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन से इसको मतलब कौन देंगे ये अवार्ड, कौन सी ट्रस्ट के पास है ये, वो भी हमें याद रखना है. लता मंगेशकर ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है. लता मंगेशकर इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. लता मंगेशकर वॉज बेस्टोड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 1989. इन 2001 शी वॉज अवार्डेड भारत रत्न इंडिया सिविल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. अब यहाँ से ये सारे क्वेश्चन भी बनते हैं. ठीक है ना, अंश तुम्हें तो कहा ही नहीं है. चलिए, ममता बनर्जी अवार्ड. ममता बनर्जी अवार्ड इशू, तो एक इशू हुआ. ममता बनर्जी अवार्ड नहीं, सॉरी, तो बंगाल में एक इशू हुआ और मैं चाहती हूँ आप लोगों को ये पता हो. तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि 161st बर्थ एनिवर्सरी किसकी सेलिब्रेट करी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर की. किसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर की. दैट द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट वॉज इंस्टीट्यूटिंग अ न्यू अवार्ड टू बी गिवन वंस इन 3 years टू ऑनर दोज इनरिचिंग बंगाली लिटरेचर. ठीक है ना, उन्होंने कहा कि हम एक नया अवार्ड लेकर आ रहे हैं जो बंगाली लिटरेचर को इनरिच कर रहे हैं. ठीक है ना, एंड दैट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एज द ऑथर ऑफ अ पोएट्री कलेक्शन टाइटल कोबिता बितान वुड बी इट्स फर्स्ट रेसिपियंट. तो उनको सबसे पहले ये दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है. अब क्या हुआ, इनको ये अवार्ड दिया गया. 164th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की. तो क्या हुआ, जितने भी लोगों को इस संस्थान ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड्स दिए थे, बट सून आफ्टर राइटर रिसर्चर रत्ना राशिद बनोपाध्याय इशूड अ स्टेटमेंट इन बंगाली दैट शी वॉज रिटर्निंग द अन्नदा शंकर रे मेमोरियल अवार्ड दैट शी हैड रिसीव फ्रॉम बंगला अकेडमी इन 2019. ठीक है ना, तो वो कहती हैं कि मैं ये अवार्ड वापस कर रही हूँ, ये वाला पर्टिकुलर अवार्ड. द बंगला अकेडमी बाई गिविंग द अवार्ड टू चीफ मिनिस्टर हैज नॉट ओनली सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट बट ऑल्सो इंसल्टेड ऑल दोज हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन एनरिचिंग बंगाली लिटरेचर. तो वो कहती कि आपने ये वाला बंगला अकेडमी ने ये अवार्ड ममता बनर्जी को देकर बहुत बड़ी बेइज्जती करी है सभी राइटर्स की. तो हमें याद रखना है बंगला अकेडमी का ये अवार्ड है जो दिया था किसको? ममता बनर्जी को. और किस 161st बर्थ एनिवर्सरी किसकी थी? रविंद्रनाथ टैगोर. क्लियर है, आगे चलेंगे. इंडियन राइटर गीतांजलि श्रीनाथ. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी देयर इन एवरी अदर एग्जाम. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक इंटरनेशनल अवार्ड इंडियन को मिला है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वो भी फर्स्ट टाइम एक हिंदी बुक को मिला है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सभी फोकस करेंगे. इंडियन राइटर गीतांजलि श्री अलॉन्ग विद अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल. तो किसको मिला ये अवार्ड? गीतांजलि श्री ने अपनी कौन सी बुक लिखी थी? रेत समाधि. तो इसके नोट्स आपके बहुत ही परफेक्ट बनने चाहिए. गीतांजलि श्री ठीक है ना, उनको अवार्ड मिला है. कौन सी बुक लिखी उन्होंने? रेत समाधि. ठीक है ना, उसके बाद उनकी जो ये रेत समाधि बुक है, ये किसने ट्रांसलेट करी? डेजी रॉकवेल ने. तो आप ये पता कैसे याद कर सकते हैं?
वो डेजी, डेजी जो है एक लड़की, वो रॉक के पास बैठी और वेल के पास बैठी और उन्होंने ट्रांसलेट करी कौन सी बुक, टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड, ठीक है ना। तो ये ट्रांसलेट नाउ हैज़ वन 2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द बुक टाइटल टॉम ऑफ सैंड। तो उसका हिंदी में क्या नाम है, रेत समाधि। दिस बुक हैज़, ये क्या है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, किसको मिला, गीतांजलि श्री फॉर बुक रेत समाधि। और ट्रांसलेटर कौन है इस बुक की, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उन्होंने, डेजी रॉकवेल। इंग्लिश में इस बुक का नाम क्या नाम है, टॉम ऑफ सैंड, ठीक है। रिटन इन हिंदी एंड इज द फर्स्ट बुक इन एनी इंडियन लैंग्वेज टू हैव वन द हाई प्रोफाइल अवार्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये पहली पहली हिंदी में और पहली फर्स्ट बुक इन इंडियन लैंग्वेज टू हैव रिसीव दिस अवार्ड। द ओरिजिनल नेम ऑफ द बुक इज रेत समाधि। तो इसमें से तुम्हें नहीं लगता क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आशा, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इनको WHO ने अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड दिया है, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022। कौन सा अवार्ड मिला इनको, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 मिला है। आशा की फुल फॉर्म क्या है, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स रिसीव द ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सभी मार्क करेंगे, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सेड दैट आशा वर्कर्स वर ऑनर्ड। तो किसने अवार्ड दिया है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने दिया है। सेड द आशा वर्कर्स वर ऑनर्ड फॉर द की रोल इन लिंकिंग द कम्युनिटी विद हेल्थ केयर स्पेशली ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडमिक। तो COVID-19 पैंडमिक में जो ये आशा वर्कर्स थी उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करी और इसी वजह से WHO ने इनको ये अवार्ड दिया है। They were one of the 6 recipients of the award, ठीक है, जिन्होंने रिसीव किया ये अवार्ड, ये वन ऑफ द 6 जिनको मिला है उनमें से एक है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि आशा वर्कर्स होते क्या। देखिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम 2005 के अंदर आशा वर्कर्स का जो था वो लेकर आई गई, ठीक है ना, कि कम्युनिटी के अंदर से कोई हो जो उनको, जो कम्युनिटी की हेल्प कर सके व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, ठीक है ना। तो इन्होंने स्पेशली जो आशा वर्कर्स हैं उन्होंने चाइल्ड हेल्थ, प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, ठीक है। अ फीमेल रेजिडेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव विलेज हु इज मैरिड, विडोड और डिवोर्स इन द एज ग्रुप ऑफ स्वयं सो वॉज इज अपॉइंटेड एज आशा वर्कर्स। और इनकी सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है, ये प्रोटेस्ट पे क्यों जाती हैं, ये प्रोटेस्ट पे इसलिए जाती है बिकॉज इनकी जो सैलरी है वो इतनी अच्छी नहीं है, इनको ऑनरेरियम के बेसिस पे इनको सैलरी मिलती है, इनकी कोई फिक्स रेम्यूनरेशन नहीं है, ठीक है, तभी ये बार बार प्रोटेस्ट पे भी जाते हैं। अब और किसको अवार्ड मिला है और किसका इम्पॉर्टेंट है, जो 8 वॉलंटियर पोलियो वर्कर्स हु वर शॉट एंड किल्ड बाय गनमैन इन अफगानिस्तान इन फेब्रुअरी दिस ईयर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको भी ये अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन या तो हमारे आशा वर्कर्स से रिलेटेड पूछा जाएगा या फिर अफगानिस्तान में, बिकॉज दे वर किल्ड, ये पोलियो वर्कर्स वर शॉट, ठीक है ना। 8 वॉलंटियर पोलियो वर्कर्स थे वहाँ पे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही दो ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, वहाँ पर पोलियो भी है। इंडिया में पोलियो ख़त्म हो गया है 2014 में, WHO ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया था कि हमारे इंडिया के अंदर पोलियो नहीं है, ठीक है। डॉक्टर पॉल फार्मर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर मार्जिनलाइज पीपल, तो आप ये वाले नाम भी याद कर सकते हैं, बट दो इम्पॉर्टेंट हमारे आशा वर्कर्स और जो अफगानिस्तान के पोलियो वर्कर्स हैं उनका आपको नाम याद रखना है और ये भी नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, 2002 टेम्पल्टन अवार्ड वॉज अवार्डेड टू फ्रैंक विल्सेक, ठीक है, फ्रैंक विल्सेक को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद थियोरेटिकल फिजिस्ट हु हैड वन द नोबेल प्राइज ऑदर एंड ऑदर, ये हमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता ही है। इसके अंदर से भी जो फेवरेट क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको गया, पुष्पा द राइज, ठीक है। उसके बाद द बेस्ट फिल्म अवार्ड वॉज गिवन टू शेरशाह। अब यहाँ पे फिल्म ऑफ द ईयर और बेस्ट फिल्म अवार्ड आपको अलग से याद रखना है, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह फॉर 83, कीर्ति सानन फॉर मिनी, ठीक है। द बेस्ट डायरेक्टर वॉज गिवन टू केन घोष फॉर फिल्म स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक, ठीक है। इसमें से ये वाले दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चारों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज किसको दिया गया, ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है, मतलब कोई बुक लिखे, कोई पोएम ऐसा कुछ है, कुछ कलेक्शन,
इंग्लिश लैंग्वेज में नमिता गोखले फॉर थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ठीक है ना, थिंग्स जो चीज़ें पीछे छोड़कर जानी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश एग्जाम के अंदर और अपनी जब पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल कहीं छोड़कर आया करो। इंग्लिश के अंदर किसको मिला है, नमिता गोखले को मिला है, ठीक है ना, याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। नमिता गोखले कौन सी बुक के लिए, कभी कभी वो नाम बता देते हैं, प्राइस का नाम भी बता देते हैं, कौन सी लैंग्वेज में ये भी बताते हैं और पूछ लेते हैं कौन सी बुक के लिए मिला, देयरफॉर दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी नोट करेंगे। कौन कौन नोट्स बना रहा है जल्दी चैट सेक्शन में बता दो मुझे, कौन कौन नोट्स बना रहा है और ये हेल्पफुल लग रहा है या नहीं, जल्दी चैट सेक्शन में बताओ। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो फिर मैं और सीरीज लेकर आऊँगी, सीरीज को कंटिन्यू करूँगी, इसका पार्ट टू भी लेकर आऊँगी। पंजाबी वॉज गिवन टू खालिद हुसैन, पंजाबी के अंदर खालिद हुसैन को दिया गया, हिंदी के अंदर दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। उसके बाद स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, तो अब ये भी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अंदर पूछ लेते हैं कि बताओ ये वाला एक जो पुरस्कार है ये किससे दिए जा रहे हैं, अंडर समग्र शिक्षा स्कीम और SVP इज गिवन टू द स्कूल्स गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट हु हैव अंडरटेकन एग्जाम्पलरी वर्क इन द फील्ड ऑफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है, जिन्होंने उन स्कूल्स को ये अवार्ड दिया जाता है। स्वच्छ विद्यालय, देखो द वर्ड इज स्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ मतलब क्लीन, ठीक है ना, तो वो उन स्कूल्स को दिया जाता है चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हो, जो किस चीज़ पे काम करते हैं, वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन पे काम करते हैं। इस बारी ये 40 स्कूल्स को अवार्ड दिया गया है, दोनों ही चीज़ें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बालकृष्ण विथाल दास दोषी हैज बीन कॉन्फर्ड द रॉयल गोल्ड मेडल 2022, किसको दिया है, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रॉयल गोल्ड मेडल है और ये क्वीन जो है, क्वीन एलिजाबेथ जो UK की है वो ये अप्रूव करती हैं, तो इसलिए दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड इन इटसेल्फ, ठीक है। अभी तक हमने स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ही डिस्कस किए हैं, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं। बालकृष्ण विथाल दास दोषी, ठीक है ना, अब वहाँ पे ऑप्शन आपको BV दोषी भी आ सकती है, तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, ओके। कौन सा अवार्ड मिला है, रॉयल गोल्ड मेडल 2022। द अवार्ड इज सेट टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड हाइएस्ट ऑनर्स दैट वन कैन रिसीव इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। अब इम्पॉर्टेंट है किसके लिए दिया जाता है, तुम ये लिखो फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। अपने नोट्स को बहुत ही शॉर्ट बनाओ और बहुत ही क्रिस्प बनाओ ताकि बहुत जल्दी जल्दी से आप पढ़ सकें, ठीक है। उसके बाद दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू रिकॉग्नाइज अ लाइफ टाइम्स वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल दैट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एडवांसिंग द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर याद कर लो, बस उतना ही बहुत रहेगा। और क्वीन एलिजाबेथ जो यूनाइटेड किंगडम की है पर्सनली अप्रूव दिस प्रेस्टीजियस मेडल, ये भी याद कर लो। तो तीन पॉइंटर्स यहाँ से, चार पॉइंटर्स मिलते हैं, बालकृष्ण विथाल दास दोषी को ये अवार्ड मिला, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 नंबर टू पॉइंट बनता है, थर्ड ये फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर में दिया जाता है, और फोर्थ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ यूनाइटेड किंगडम ये अवार्ड को अप्रूव करती है, राइट। तो फोर पॉइंटर्स हमें याद रखने हैं। उसके बाद द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेंच नॉवल म्यूरल सॉल्ट से कॉन्त्रे इंतु कहते हैं, मुझे नहीं पता है क्या लिखा हुआ है, रट लो बस इसको। द मेरोसॉल्ट इन्वेस्टिगेशन वॉज अवार्डेड द रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022, ठीक है। बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच, मतलब ये फ्रेंच में ये बुक लिखी गई थी और उसके बाद उसको बंगाली में ट्रांसलेट किया गया, तब जाके उसको रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022 मिला, ठीक है ना। अल्जीरियन जर्नलिस्ट एंड राइटर कमेल दाउद्स डेबिट नॉवल द प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू पब्लिशर ईशा चैटर्जी एंड ट्रांसलेटर त्रिंजन चक्रवर्ती ऑफ पात्रा भारती। दिस अवार्ड वॉज गिवन ड्यूरिंग द फ्रेंच लिटरेरी फेस्टिवल जो हुआ था बीकानेर हाउस न्यू दिल्ली में। बस यही याद रखना है, मेरे ख्याल से अगर आप ये वाला पॉइंटर याद रख लोगे और ये दो पॉइंटर्स याद रखोगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पुलित्जर प्राइज 2022 मेरे का हमेशा लगता है पुलित्जर प्राइज है, पता नहीं क्यों। अभी आज मुझे बहुत सारे अवार्ड्स का पता चला। जोशिया कोहेन वन द पुलित्जर प्राइज 2022 फॉर फिक्शन फॉर हिज बुक द नेतान याहूज, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार पूछे जाते हैं तुमको भी, ये तो हर चीज़ को इम्पॉर्टेंट बोल जा रही है, बट अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इंडियंस को भी ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इंडियंस में अदनान कौन सी कैटेगरी में मिला है, फीचर फोटोग्राफी के अंदर मिला है, ठीक है, फीचर फोटोग्राफी के अंदर मिला है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर अब देखें अदनान अबीदी, ठीक है, सना इशान माटू, अमित देव, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे इंडियंस हैं, और दानिश सिद्दीकी ही डाइड
He died while he was killed while covering a clash between Afghan special forces and Taliban insurgents. ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ था. ठीक है, दानिश सिद्दीकी ही डाइड, ही इज एन इंडियन, तो इंडियंस को भी ये अवार्ड मिला है क्योंकि इंडियंस को मिला है, देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट. द जर्नलिस्ट फ्रॉम यूक्रेन हुआ कवरिंग एफर्टलेसली टू ब्रिंक आउट द रिपोर्ट्स ऑफ द ऑनगोइंग वॉर वर रिकॉग्नाइज विद स्पेशल साइटेशन. उनको क्या दिया गया, स्पेशल साइटेशन. ठीक है ना, उसके बाद आगे चलते हैं ना. आना कैबेल है दूबा फ्रॉम मार्सबिट काउंटी कीनिया वॉज कॉन्फर्ड द एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022. ठीक है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET हैज बीन अवार्डेड विद यूनेस्को किंग हामद बिन ईजा अल खलीफा प्राइज फॉर द ईयर 2021. ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो गया बट कर लो यार. Now, use of ICT in PM e-Vidya scheme by Ministry of Education won UNESCO's recognition. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, PM e-Vidya program was launched by Ministry of Education. Is a program that unifies all efforts associated to digital on-air online education. मतलब क्या हुआ, during the COVID times, ठीक है, school बंद हो गए, school were closed, तो education कैसे पहुंचाई जाए बच्चों के पास. तो उन्होंने, तो हमारी government ने कोई भी stone unturned नहीं छोड़ा. उन्होंने टीवी के ऊपर क्लासेस स्टार्ट करी, ठीक है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी, ऑन एयर स्टार्ट करी. तो यही पीएम ई विद्या यही है, यूनिफाइज ऑल एसोसिएटेड एफर्ट्स टू टेक एजुकेशन टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑन एयर ऑनलाइन एजुकेशन इन ऑर्डर टू इनेबल मल्टी मोड एसेस फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन. कि जो जैसे पढ़ सकता है वो वैसे पढ़े, बट पढ़ाई ज़रूर हो. तो दैट इज़ वॉट इज़ पीएम ई विद्या. विद्या का मतलब पढ़ाई. CIET was awarded for use of information and communication technology. तो ICT की फुल फॉर्म क्या है, information and communication technology in education. CIET is constituent unit of the NCERT. ठीक है ना, CIET को दिया गया, तो हम इतने खुश क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ये NCERT का यूनिट है, ये पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं. राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल बनाया गया है जहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे अवार्ड्स की जो है वहाँ पे ही नॉमिनेशंस यू नो इनवाइट मिल जाएंगी. नॉमिनेशंस मतलब अगर कोई किसी को लगता है कि मुझे या किसी और को ये अवार्ड मिलना चाहिए, तो वहाँ पे जाकर वो नाम उस पर्सन का सबमिट कर सकते हैं. ठीक है ना, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो उसका क्या नाम है, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल. ईजी, ठीक है, राष्ट्रीय मतलब नेशन का, पुरस्कार मतलब अवार्ड, पोर्टल मतलब वेबसाइट. ईजी, चलो. सेकेंड एडिशन ऑफ अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग 2022. तो ये सेकेंड एडिशन है किसका, अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग 2022. डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग 2022 वॉज गिवन टू टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट फॉर देयर इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस इन स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, राजकोट गुजरात, काचर असम, सतारा महाराष्ट्र वर रैंक्ड अमंग द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब मैं इम्पॉर्टेंट है यार सच में. इंडियन फार्मा अवार्ड्स दिए गए 2022 एंड इंडियन मेडिकल डिवाइस अवार्ड्स 2022. उसके अंदर किसने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भगवान नाथ खूबा मिनिस्टर. ठीक है, अब यहाँ पे इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर सिप्ला लिमिटेड, इंडियन फार्मा इनोवेशन ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. उसके बाद मेघालय प्लानिंग डिपार्टमेंट्स इनिशिएटिव ऑफ द ई प्रपोजल सिस्टम वन द UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS फोरम प्राइजेस 2022. तो ये क्या है, क्या है, द ई प्रपोजल सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मेघालय एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर मेघिया. ठीक है ना, विच एलिमिनेट्स 25% फिजिकल वर्क ऑफ फाइल्स इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन द स्टेट. तो क्या है, फिजिकल वर्क का जो फाइल्स का है वो एलिमिनेट करने के लिए ये सिस्टम लेकर आया गया, और इसके लिए मेघालय को अवार्ड दिया किसने, UN ने. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्टेट को अवार्ड मिला है इंटरनेशनल लेवल का, देयरफॉर दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, उसके बाद सिंथिया रोजेन वेग, नासा हेड ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट ग्रुप एंड अ सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट एट गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज रिसीव वर्ल्ड फूड प्राइज रिसीव वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने रिसीव वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड या फाउंडेशन अवार्ड. ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. इंटरनेशनल गांधी, और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह था ये, मतलब जब अवार्ड मिला ये हर जगह था, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड. चलो सबको ही लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से लाइक. नाउ
International Gandhi Award for Leprosy 2021 to Sahyog Akushtha Yagna Trust Gujarat. अब आई नो ये थोड़ा सहयोग मतलब साथ देना मतलब मदद करना सहयोग साथ चलना किसी का Akushtha Yagna Trust Gujarat एंड डॉक्टर भूषण कुमार ऑफ चंडीगढ़ इन न्यू दिल्ली. ठीक है कौन सा अवार्ड दिया गया? इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिटरेसी 2021. ओके आगे चलते हैं. सिविल एविएशन मिनिस्टर्स उड़ान स्कीम सेलेक्टेड फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नेंस, जो लोगों की जो ये सारे काम किए जाते हैं, ये सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जाता है, ये सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट होता है. सिविल एविएशन मिनिस्टर्स उड़ान स्कीम, ठीक है ना, उड़ान स्कीम को सिलेक्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020. ये वन लाइनर्स हैं, फटाफट से कर लेते हैं. और क्या आप चाहते हो कि इन्हीं वन लाइनर्स के बेसिस पे मैं आपका टेस्ट भी दूँ, एमसीक्यूज का टेस्ट जिसमें आप लोग याद करके आओगे और मैं टेस्ट करूँगी कि आपको याद है या नहीं. यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अमंग फाइव विनर्स ऑफ जॉन एफ केनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड इन US. ठीक है ना, करेज के लिए उनको मिल रहा है क्योंकि वो जंग लड़ रहे हैं रशिया के साथ. ठीक है, किशोर कुमार दास ऑफ बांग्लादेश विंस UK's कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड. देखिए ये ज़ेलेंस्की वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है. ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट ही आया, रट लो प्लीज. 2022 Whitley वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन अवार्ड विनर्स अनाउंस. Whitley गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर चारूदत्त मिश्रा. ठीक है, डॉक्टर चारूदत्त मिश्रा को मिला है 2022 का अवार्ड. ये भी इंपॉर्टेंट है. द वर्ल्ड एक्सपर्ट ऑन स्नो लेपर्ड्स, किसमें एक्सपर्ट है ये? स्नो लेपर्ड्स के अंदर. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं. द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UNFAO along with Arbor Day Foundation has recognized Hyderabad and Mumbai jointly as the 2021 pre-city of the world. कौन-कौन से cities को करा है? Hyderabad और Mumbai को. कौन-कौन से cities को? Hyderabad और Mumbai को. ठीक है, तो आगे चलते हैं. One, due to their commitment to maintaining and growing greenery and urban trees so as to build resilient, healthy and happy cities. This is the first time Mumbai has made to the list. Hyderabad दूसरी बार आया. ठीक है ना, कौन से दो cities आए हैं? Hyderabad और Mumbai. संगीत नाटक अवार्ड एंड द संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप फॉर द ईयर 2018 टू 43 एमिनेंट आर्टिस्ट, 4 फेलोज एंड 40 अवार्डीज. द फेलोशिप्स एंड नेशनल अवार्ड्स फॉर ललित कला अकादमी फॉर द ईयर 2021 वर आल्सो प्रेजेंटेड बाय हिम टू 23 पीपल, 3 फेलोज एंड 20 नेशनल अवार्ड्स. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. PYQs उठाकर देख लो, कोई भी PYQs उठाकर देख लो, लॉ एंट्रेंस एग्जाम के, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, MHCET के, स्लैट के, ये वाले क्वेश्चंस तुम्हें भरपूर मिलेंगे, भरपूर. हु रिसीव संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप? ठीक है, फेलोशिप किस किस को मिली है? सोनल मानसिंह, ठीक है, उसके बाद ये और जतिन गोस्वामी. ये तो नाम ही बहुत लंबा है. ठीक है, अब इनको क्या करेंगे शॉर्ट में? TK कल्याणा सुंदरम. ठीक है ना, उसके बाद जाकिर हुसैन. ललित कला अकादमी अकॉर्ड दीज अवार्ड वर बेस्टोड अपॉन इंडिविजुअल्स विद द एम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग देयर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट. इन द फील्ड ऑफ आर्ट 3 फेलोज, ज्योति भट्ट, हिम्मत शाह, श्याम शर्मा. ठीक है, आगे चलते हैं. केरला हैज वन द अवार्ड फॉर द सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका है? केरला का है. ठीक है, उसको अवार्ड मिला है प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए किसने ये अवार्ड दिया. अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो हमें लगेगा यार मिनिस्ट्री ऑफ किसने दिया होगा, मतलब हम कुछ भी लिख देंगे, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मिनिस्ट्री होगी हम उसको ज़्यादा यू नो ऑप्शन चूज़ करेंगे. बट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दिया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनर कन्फ्यूज करने के लिए ये भी पूछ सकता है कि ये अवार्ड इसने जीता, बताओ ये किसने दिया. ठीक है ना, वो गूगली फेंक सकता है, तुम्हें उसको अच्छे से खेलना है एग्जाम में. खेलोगे ना, बताओ. द अवार्ड इज गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन वेरियस स्टेट्स. सो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जिसकी अच्छे हैं उसको दिया जाता है. द अवार्ड हैज बीन गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स. कौन से प्रोजेक्ट्स के रिकॉग्निशन में ये अवार्ड दिया गया है? कोची मेट्रो, वाटर कनेक्टिविटी, द सेम एक्सपीरियंस एज मेट्रो एंड ई मोबिलिटी टू एनहांस. तो क्या है, वाटरवेज का भी यूज किया है, मेट्रो भी. तो बेसिकली कोची मेट्रो के लिए वाटर मेट्रो कनेक्टिविटी एंड टू एनहांस द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन द सिटी ऑफ कोची. ठीक है ना, तो ये केरला को दिया गया है और फॉर सिटी ऑफ कोची दिया गया है, ये भी हम याद कर सकते हैं. आगे चलेंगे. 2022 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, DU वालों के तो फेवरेट होते हैं ये.
स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मैक्स वर्स्टैपेन फॉर्मूला वन रेसिंग, ठीक है. स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड एलाइन थॉमसन हेरा एथलेटिक्स से है. नीरज चोपड़ा वॉज नॉमिनेटेड, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रही हूँ. नॉमिनेट किए गए थे, मिला नहीं ये अवार्ड, ठीक है. कौन? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता है, इंडिया के नीरज चोपड़ा, ठीक है. फॉर द अवार्ड इन द कैटेगरी ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ठीक है ना, ब्रेक थ्रू ऑफ द टीयर लिख दिया मैंने, ईयर ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है. बट एक्चुअल में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर फिर किसको मिला? एमा रेड्यू कैनो, ठीक है ना, इनको मिला. वैसे तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर याद करने की जरूरत क्यों होती, बिकॉज क्योंकि नीरज चोपड़ा इस कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किए गए तो उनको नहीं मिला, तो इनको मिला तो हमें पता हो जाए कि किसको मिला, ठीक है ना, ये याद करना. 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड, ठीक है. टू इंडियन म्यूजिशियंस वर अमंग द विनर्स, ठीक है. अब इसमें कौन था? एक तो फलू, ठीक है, फलू एन इंडियन अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर वन ग्रैमी इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम. तो बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम किसको मिला? फलू को मिला. उसका नाम क्या है? फाल्गुनी शाम, ठीक है. फॉर द अवार्ड फॉर हर एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड इन द कैटेगरी बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम, ये तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है. कंपोजर रिकी केज, अब दूसरा इंडियन कौन है? रिकी केज वन सेकेंड ग्रामी, तो इनका ये सेकेंड ग्रामी था, सेकेंड टाइम ये ग्रामी का अवार्ड जीत रहे हैं. एज ही एंड स्टीवर्ट कॉपलैंड वन द अवार्ड इन द कैटेगरी बेस्ट न्यू एज एल्बम, बेस्ट न्यू एज एल्बम डिवाइन टाइड्स. तो हमने इनका नाम, इनकी एल्बम और कौन सी कैटेगरी ये हमने याद रखी. 2015 में इनको पहली बार अवार्ड दिया था, मेरा था ग्रामी अवार्ड, ठीक है. अर्नेस्ट एंड यंग EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, ठीक है, वॉज गिवन टू फाल्गुनी नैयर, फाउंडर एंड CEO ऑफ नायका. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके NLSAT के अंदर भी ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 अवार्डेड बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट टू प्रोफेसर विल्फ्रीड ब्रूटस्टैड फॉर हिज इनोवेटिव वर्क इन इवेल्युएटिंग एनवायरमेंटल इवेपोरेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. आगे चलेंगे. ऑस्कर्स किस किस को मिले हैं? बेस्ट पिक्चर कॉडा, कॉडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ डेफ एडल्ट इसका फुल नेम फुल फॉर्म है, इसके एक्रोनिम है CODA कॉडा. अब इसके अंदर ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसके अंदर जो करेक्टर्स थे वो 3 डेफ करेक्टर्स एक्चुअली डेफ थे, एक्चुअली डेफ पीपल में वो 3 डेफ करेक्टर्स का रोल प्ले किया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉडा की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और इसको बेस्ट पिक्चर मिला है ऑस्कर्स 2022, ठीक है. बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन फॉर द मूवी द आईज ऑफ टैमीफाई. बेस्ट डायरेक्टर वॉज वन बाय जेन कैंपियन फॉर द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है. विल स्मिथ फॉर द मूवी किंग रिचर्ड. बेस्ट एक्टर, ठीक है. इसमें बहुत सारे अवार्ड होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट निकाल कर पढ़ रहे हैं, ठीक है. द 75th एडिशन ऑफ द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, अब इसको बाफ्टा, ठीक है ना, ऑल्सो नोन एज बाफ्टा, बाफ्टा 75th एडिशन, और इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे. वॉज हेल्ड एट रॉयल एल्बर्ट हॉल इन लंडन, कहाँ पर हुए थे? रॉयल एल्बर्ट हॉल इन लंडन, ठीक है. द अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा ऑनर्स द बेस्ट नेशनल एंड फॉरेन फिल्म्स ऑफ 2021. अब यहाँ पे बेस्ट फिल्म किसको मिला? द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है. बेस्ट डायरेक्टर जेन चैंपियन द पावर ऑफ द डॉग. बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल जोनाका स्कैनलान आफ्टर लव. विल स्मिथ किंग रिचर्ड बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल. अब क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे आप लोग अपनी नोटबुक्स में, और ये देखिए यहाँ पे कितने कितने सेम सेम चल रहे हैं, तो वो आप ऐसे याद कर लेंगे कि इसको इस चीज़ में इस उसमें वो मिला है, ठीक है, क्लियर है इस बात पे. आगे चलेंगे. Now, Indian naval ship INS Vasudha awarded the prestigious President's Colour by President, ठीक है ना, President's Colour, तो INS Vasudha को मिला है ये, ठीक है. उसके अंदर क्या होता है? It is the highest award or honor that can be bestowed upon any India's military units. तो unit को ये award दिया जाता है, तो इससे क्या होता है? This award is also called as Nishan, Nishan भी कहा जाता है इसको. क्यों? As it is an emblem that will be worn, क्या है ये? एक emblem है जो वॉर्न करेंगे कौन की? यूनिट के ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी लेफ्ट हैंड स्लीव पे ये वेयर करते हैं. हमें इससे ज़्यादा ये वाला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. बट INS Vasudha कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1942 में. इट इज़ वन ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट है, 1942 के अंदर हुआ, और इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज नेवीज प्रीमियर ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट. INS Vasudha ट्रेन्स द सेलर्स एंड ऑफिसर्स हु आर पार्ट ऑफ इंडियन नेवी एंड द कोस्ट गार्ड, ठीक है.
ओके आगे चलेंगे. एबल प्राइज 2022 वन बाय डेनिस पार्लन सुलिवान एन अमेरिकन मैथमेटिशियन. ठीक है ना, तो ये है आपका. ठीक है, एबल प्राइज 2022 वन बाय डेनिस पार्लन सुलिवान एन अमेरिकन मैथमेटिशियन. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आता ही आता है, तो हमें ये याद कर कर जाना पड़ेगा. ठीक है, किंग ऑफ नॉर्वे देता है ये प्राइज, किंग ऑफ नॉर्वे एबल प्राइज देता है कि कौन इतना एबल्ड है, और ये मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है. मैथ्स के अंदर अगर कोई काबिल है तो एबल ही बोलेंगे ना उसको. ठीक है ना, क्योंकि मैथ हर किसी के बस की बात नहीं है. नारी शक्ति पुरस्कार कौन देता है? नारी शक्ति पुरस्कार इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर वुमेन. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वुमेन. ये हमें याद रखना है, वुमेन के लिए है सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. उसके बाद नारी शक्ति पुरस्कार इज एन एनुअल अवार्ड गिवन बाय. अब ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या आता है कि कौन देता है ये अवार्ड. हम ये जानने की जिज्ञासा रहती है एग्जामिनर को कि कौन देता है ये अवार्ड. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू इंडिविजुअल वुमेन और टू इंस्टीट्यूट वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंटर इंपॉर्टेंट है. 1999 में ये अवार्ड स्टार्ट किए गए थे. एवरी ईयर एन इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को होता है, तब ये अवार्ड दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कॉन्स्टिट्यूटेड द स्वदेश दर्शन अवार्ड इन वेरियस कैटेगरीज टू एक्नॉलेज. स्वदेश दर्शन मतलब खुद के देश के दर्शन करना, खुद का देश देखने जाना, खुद का देश देखने जाना. ठीक है ना, मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेरियस इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज. ठीक है ना, उनको दिया जाएगा कौन सा? स्वदेश दर्शन अवार्ड, जो क्या करेंगी? एफर्ट्स लगाएंगी गवर्नमेंट या जो टूरिज्म को बढ़ाने में. अगेन ये इंपॉर्टेंट अवार्ड आ गया. नीना गुप्ता, प्रोफेसर नीना गुप्ता कॉन्फर्ड द रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस 2021. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. बिल गेट्स फिलान्थ्रोपिस्ट को मिला है हिलाल ए पाकिस्तान. ठीक है, क्या है बिल गेट्स? जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, क्रिएटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, हैव बीन अवार्डेड हिलाल ए पाकिस्तान, पाकिस्तान सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर हिज एफर्ट्स टू हेल्प इरेडिकेट पोलियो इन द कंट्री. क्या इरेडिकेट करने की हेल्प करी? पोलियो. आगे चलते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा वॉज ऑनर्ड परम विशिष्ट सेवा मेडल. ठीक है ना, परम विशिष्ट सेवा मेडल. नीरज चोपड़ा ब्रॉट फेम टू इंडिया बाय विनिंग द कंट्रीज फर्स्ट एथलेटिक. देखो, फर्स्ट गोल्ड मेडल नहीं है ये, फर्स्ट एथलेटिक के अंदर गोल्ड मेडल है इंडिया का. ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में जीता मेडल थ्रोइंग जैवलिन टू 87.58 मीटर्स. उससे मुझे याद आता है कि मैंने एक वीडियो करी हुई है टोक्यो ओलंपिक्स पे और टोक्यो पैरा ओलंपिक्स पे, वो ज़रूर देख लेना. उसमें से भी आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. पैरा ओलंपिक्स पे भी क्या हुआ है और ओलंपिक्स पे भी क्या हुआ है, दोनों वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आगे चलते हैं, पद्मा अवार्ड 2022 तो CDS विपिन रावत, जिनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनको ये दिया गया. उसके बाद कल्याण सिंह प्रेजेंटेड पद्म विभूषण पोस्ट थॉमसी. पोस्ट थॉमसी मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है, आफ्टर डेथ अवार्ड दिया गया इनको, तो ये भी नाम नोट करेंगे. फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर बुद्धादेव बैटल चार्जी उनको मिला. ठीक है, गुलाम नबी आज़ाद को मिला. सुंदर पिचई, सत्य नडेला, गुरमीत बावा, द लेट फोक सिंगर ऑफ पंजाब राजीव महेश्वरी, द यूनियन होम मिनिस्टर पद्म भूषण मिला इनको. ये याद रखना किसको कौन सा मिला है. ठीक है, देवेंद्र झारझारिया को भी, पैरालंपिक है जो, उनको भी पद्म भूषण मिला. ठीक है, उसके बाद सोनू निगम को पद्मश्री मिला. वंदना कटारिया एंड पैरालंपिक प्रमोद भगत, अग्नि लिखारा, सुमित अंतिल, नीरज चोपड़ा, इन सबको पद्मश्री मिला. वैक्सीन मेकर साइरस पूनावाला, द फाउंडर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पद्म भूषण मिला इनको कोविशील्ड के लिए. भारत बायोटेक कृष्ण ईला एंड द को फाउंडर भारत बायोटेक सुचित्रा एला, पद्म भूषण मिला इनको. ये हमें सब याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस आते हैं. अब दो जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए ये, कौन कौन? बुद्धादेव भट्टाचार्य जी एंड जनरल एंड फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी लेट EMS नाबुद्दीन बर्ग आर टू पर्सनैलिटीज हु रिफ्यूज टू टेक द पद्म अवार्ड. सो ये तो और भी इंपॉर्टेंट होगी, जिन्होंने मना कर दिया रहने से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज कॉन्फर्ड द ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड बाय कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ही वॉज अवार्डेड फॉर हिज कमिटमेंट टू एक्सपैंडिंग इंडियाज लीडरशिप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू मीट द कंट्रीज एंड द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी नीड्स. ही एड्रेस सेरावीक कॉन्फ्रेंस एंड हाईलाइटेड द स्टेप. ठीक है, इसमें से बस जो टाइटल है वो इंपॉर्टेंट है. बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा हैज बीन अवार्डेड इंडियाज बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट. क्या है? बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया है इनको.
ठीक है, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रिसीव द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल किंग भूमि बॉल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड कॉन्फर्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम. इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया को मिला है इम्पॉर्टेंट, बट 2020 का अवार्ड है, बट अभी रिसेंटली मिला है तो पढ़ जाते हैं. नाउ डिस्ट्रिक्ट बारामूला, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी का अवार्ड है 2022, आई थिंक जैन फेब का ही है ये वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है. डिस्ट्रिक्ट बारामूला हैज अचीव दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार अंडर द डिस्ट्रिक्ट पंचायत कैटेगरी एंड हैज़ बीन गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, द फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान एंड लेट सुल्तान ऑफ ओमान काबूस बिन सैयद अल सैयद आर टू बी अवार्डेड द गांधी पीस प्राइज फॉर 2020 एंड 2019, क्योंकि वो गांधी पीस प्राइज है, देयरफॉर दिस इज इम्पॉर्टेंट. सेवन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ऑफ कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट हैव बीन सिलेक्टेड अंडर कायाकल्प अवार्ड स्कीम 2021-2022. तो 2021 के अवार्ड्स हैं तो करने हैं याद तो कर लो. ब्रेथ अप्लाइड साइंसेज रिसाइकलिंग कार्बन टेक्नोलॉजी बाय बैंगलोर स्टार्टअप. ठीक है ना, तो ब्रेथ अप्लाइड साइंसेज एक स्टार्टअप है, यहाँ तक स्टार्टअप है. ठीक है, उन्होंने क्या रिसाइकलिंग कार्बन टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं तो इम्पॉर्टेंट है, और ये बैंगलोर का स्टार्टअप है. उनको क्या मिला है, TDB नेशनल अवार्ड 2021. ठीक है, फॉर डिवेलपिंग अ कॉमर्शियल सोल्यूशन फॉर कन्वर्जन ऑफ CO2 टू केमिकल्स एंड फ्यूल्स. इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी. स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड को ये अवार्ड गया है, ये इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद बहलेर टर्टल कॉन्जर्वेशन अवार्ड, इंडियन बायोलॉजिस्ट शैलेंद्र सिंह, किसको मिला है, शैलेंद्र सिंह, चलो जल्दी से बता दो. शैलेंद्र सिंह हैज़ बीन अवार्डेड द बहलेर टर्टल कॉन्जर्वेशन अवार्ड फॉर ब्रिंगिंग 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड टर्टल कॉन्जर्वेशन स्पीशीज बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन. मतलब ख़त्म हो जाती बट इस पर्सन की वजह से वो एक्सटेंट नहीं हुई, वो ख़त्म नहीं हुई, आज ये टर्टल हमारे बीच में रहते हैं. ठीक है, जो ना, उसके बाद चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवार्डेड अ 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन. कौन से रेलवे स्टेशन को, चंडीगढ़ को. ठीक है, इट इज़ द 5th स्टेशन इन इंडिया टू गेट दिस रिकॉग्निशन. ये 5th स्टेशन है इंडिया का जिसको ये रिकॉग्निशन मिली है. ये कौन देता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया देती है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो क्या प्रोवाइड करें, सेफ और होलसम फूड प्रोवाइड करें अपने पैसेंजर्स को. मतलब वहाँ पर क्या, जो पूरी और ये पनीर के पकौड़े ये नहीं बेच रहे होंगे वो. गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, अरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक पीकॉक अवार्ड होता है, इसमें ही होता है ना पीकॉक अवार्ड, नहीं पीकॉक अवार्ड कल पढ़ेंगे शायद हम, एक पीकॉक अवार्ड होता है वो भी पढ़ना है हमें. बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग, इट्स डायरेक्टर जेन चैंपियन वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड. बेस्ट एक्टर विल स्मिथ किंग रिचर्ड को मिला है. फिल्म एक्ट्रेस निकोले किडमैन फॉर बींग द रिकार्डोस. द नेशनल वाटर अवार्ड्स किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सबसे पहले किसको मिला, उत्तर प्रदेश को फर्स्ट, फिर राजस्थान और फिर तमिलनाडु. बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश. ठीक है ना, उसके बाद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अप्रूव 384 गैलेंट्री अवार्ड एंड अदर मिलिट्री डेकोरेशंस फॉर सिक्योरिटी फोर्सेज पर्सनल. अशोका चक्र किसको मिला है, सूबेदार नहीं है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबू राम फॉर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एट रिपब्लिक डे परेड. अशोका चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाबूराम हैड किल्ड 3 टेररिस्ट इन श्रीनगर ड्यूरिंग एन ऑपरेशन ऑन अगस्त 29, 2020. गवर्नमेंट ऑफ असम कॉन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव ऑन रतन टाटा. ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद गुजरात, अरे भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी मिला है ये तो. गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज वाइस चेयरमैन विनोद शर्मा रिसीव द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2002. बोथ फॉर प्रेजेंटेड अवार्ड फॉर द एक्सलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, GIDM वॉज सिलेक्टेड इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी वाइल विनोद शर्मा वॉज नेम्ड इन इंडिविजुअल कैटेगरी. ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना एंड प्लीज़ डू टेल मी क्या आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है, बिकॉज मुझे बहुत मेहनत लग रही है ये वीडियोज़ बनाने में. अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो मैं नेक्स्ट सेशन ज़रूर बहुत जल्दी लेकर आऊँगी. और कॉमेंट ज़रूर करना कि आपको ये कैसा लग रहा है, कॉमेंट आफ्टर द वीडियो ऑल्सो एंड इन द चैट सेक्शन ऑल्सो. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हार्ट छोड़ देना और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर
कर देना, ठीक है ना। एंड इफ़ यू वांट द पीडीएफ, ये पीडीएफ पेड है, आफ्टर द वीडियो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ये पीडीएफ बाय कर सकते हो। नहीं तो आई वुड से प्लीज़ मेक नोट्स, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं, पीडीएफ चाहिए तो यू हैव टू बाय इट। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून। यू गाइज कीप ऑन स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।